बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम XRD FTIR और UV का डेटा कैसे स्मूथ कर सकते हैं, उसकी बेसलाइन कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हमें जो डेटा मिलता है वो स्मूथ नहीं होता, उसमें समटाइम पीक्स सही अपीयर नहीं हो रही होती, हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होता। लाइक जैसे ये मेरे पास ये XRD का डेटा है, इसमें पीक्स प्रॉपर विजिबल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसकी बेसलाइन भी करेक्शन नहीं है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी नॉइज जो है ये खत्म करनी है और इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं ओरिजन प्रो सॉफ्टवेयर। तो ये मैं ओरिजन ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास ओरिजन ओपन हो चुका है। अब मेरे पास ये फाइल है ये वाली जिसको मैंने स्मूथ करना है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ ओरिजन के अंदर। इससे अब मैं ग्राफ सेलेक्ट करके इसको मैं ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ। ये अब मेरे पास ग्राफ आ गया, ये 2 थीटा डिग्री और ये है मेरे पास इंटेंसिटी। अब मैं एनालिसिस में सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मूथ और ओपन डायलॉग। अगर आपका डेटा सिर्फ स्मूथ है, आपने सिर्फ बेस लाइन करेक्ट करना है, तो फिर आपको इस स्टेप को जरूरत नहीं है, इस स्टेप को करने की। अब यहाँ पे कितना डेटा आपने स्मूथ करना है, 5 पॉइंट करने हैं, 10 पॉइंट, 20, 50 अराउंड, या इससे ज़्यादा करने हैं, तो वो वैल्यू आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके। अब ये मेरा डेटा जो है ये स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ डेटा मेरे पास ये है। अब मैं इसके दरमियान ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ बन गया। मेरे पास जो पीक्स हैं ये अपीयर हैं, लेकिन अभी भी इसकी बेस लाइन जो है वो करेक्ट नहीं है, कि ये टेढ़ी लाइन जो है हमें नज़र आ रही है। तो इसको कैसे करेक्ट करना है, सबसे पहले हम एनालिसिस में पीक एंड बेस लाइन और पीक एनालाइजर, इसमें ओपन डायलॉग, और देन यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट बेस लाइन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय आपने एसिमेट्रिकल लीस्ट स्क्वायर इसको करना है, ये नेक्स्ट, और ये ऑटो वैल्यू है। इसको आप स्मूथिंग फैक्टर जो है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये फैक्टर आ रहा है मेरे पास, मैं अगर इसको 2 करता हूँ तो ये रेड लाइन जो है ये बड़ी हो जाएगी। और इसी तरह ये नंबर ऑफ इटरेशन है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ये 8 करूँगा तो ये वैल्यू लाइन जो है ये नीचे की तरफ अपीयर होगी। तो मैं ओरिजिनली जो है वही चूज़ कर रहा हूँ जो 4 और 10 थे, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, और ये मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो डेटा मेरे पास से ये वाला आ गया, ये वाली लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन करेक्ट हो गई है। और अगर मैं आपको ये दोनों लाइन दिखाऊं जो मेरे पास पहले डेटा था जो स्मूथ हुआ हुआ था और ये, तो बेसिकली ये बनेगा, ये जो जस्ट स्मूथ था और ये जो है जिसकी बेस लाइन करेक्ट कर दी गई है। लेकिन अब भी अगर आप इसमें देखें जो ग्राफ है मेरे पास, इसमें वैल्यूज जो हैं कुछ माइनस में शो हो रही हैं, ये 0 से नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला मैं कॉलम इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट, और ये वैल्यू जो है पेस्ट करके, अब इसके ऊपर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, और जिस कॉलम को आपने कन्वर्ट करना है, ये वाला डेटा मेरे पास बी कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं बी को, तो ये वैल्यूज जो है मेरे पास ये वाली ये सारी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपके पास ये ग्राफ शो होगा। अब बेस लाइन इसकी करेक्ट है और वैल्यूज जो है वो माइनस के अंदर नहीं। तो अगर मैं कंपैरिजन में दिखाऊं, ये जो जिसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कर ली है जो सारी पॉजिटिव है, और ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव थी, इसमें तो हमारे पास ये ग्राफ जो है कि ये रेड वाला जो है ये नेगेटिव वैल्यूज में भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा को स्मूथ कर सकते हैं, उसकी बेस लाइन करेक्ट कर सकते हैं। ये XRD का डेटा इसी पैटर्न पे आप UV का डेटा, FTIR का डेटा, ये बाकी जो टेक्निक है उनका डेटा आप स्मूथ कर सकते हैं।